हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे थे लीटकोड का सीक्वल 50 सीक्वेंस। आज का हमारा क्वेश्चन है आर्टिकल व्यूज फर्स्ट। ठीक है, ये भी इजी मार्क्ड है, तो स्टार्ट करते हैं। टेबल का नाम अपन को दिया है व्यूज, जिसमें आर्टिकल आईडी, ऑथर आईडी, व्यूअर आईडी, व्यूअर डेट दी गई है। तीन इंटीजर है, व्यूअर व्यू डेट है क्योंकि डेट फॉर्मेट में है। ठीक है, देयर इज नो प्राइमरी की, इसमें कोई सी भी यूनिक वैल्यू नहीं है। टेबल में है डुप्लीकेट रोज, ईच रो ऑफ दिस टेबल इंडिकेट सम व्यूअर व्यूड एन आर्टिकल रिटन बाय सम ऑथर ऑन सम डेट। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर व्यूअर एक आर्टिकल को देख रहा है जो कि किसी ऑथर ने बनाया है किसी पर्टिकुलर डेट पे। ठीक है, तो इसलिए आपके पास तीन डिफरेंट आईडीज हैं, एक व्यूअर की, एक क्या आर्टिकल है उसकी, और एक किस ऑथर का वो आर्टिकल है उसका। ठीक है, और कौन से डेट को बना था वो। तो क्वेश्चन पे आते हैं। नोट दैट इक्वल ऑथर आईडी व्यूअर आईडी इंडिकेट द सेम पर्सन। आईडी दोनों की एक ही डिनोट है। अगर आर्टिकल ऑथर आईडी 4 है या ऑथर आईडी 1 है और व्यू आई डी भी 1 है तो सेम है, 4 है तो दोनों, अगर 4 है तो दोनों एक ही पर्सन को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड ऑल द ऑथर्स दैट व्यूड एट लीस्ट वन ऑफ देयर ओन आर्टिकल्स। ठीक है, रिटर्न द रिजल्ट इन टेबल सॉर्टेड बाय आईडी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अब तक हमारे पास ये वाली चीज़ नहीं आई थी, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर भी करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व भी करना है रिजल्ट को, जो कि अपना फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, अपन को कोई भी ऐसी आईडीज अपन को प्रोवाइड करनी है या फिर ऐसे ऑथर अपन को फाइंड आउट करने हैं जिन्होंने खुद का आर्टिकल देखा है। तो इस ऑथर ने अगर एक आर्टिकल, मान लो कि ऑथर नंबर 1 है, तो उसका एक आर्टिकल आईडी है, मान लो ठीक है, तो ऑथर नंबर 1 अपने ही आर्टिकल का एक व्यूअर भी हो, तो व्यूअर आईडी में भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अपन को पता करना है कि कौन कौन से ऑथर्स ऐसे हैं जो कि खुद ही के आर्टिकल के व्यूअर्स भी हैं। एक बार अपन जो एग्जांपल दिया है उसके हिसाब से भी समझ लेते हैं। टेबल दी गई है 1 3 5, डेट 1 3 6, तो इसमें तो क्या आर्टिकल आईडी है, ऑथर आईडी 3 है, व्यूअर आईडी 1 है, तो इक्वल नहीं है। 3 है, 6 है, नहीं है, 7 है, 7 है, इक्वल है। मतलब जो जिस ऑथर ने ये आर्टिकल आईडी, मतलब आर्टिकल नंबर 2 लिखा होगा, वो उसी खुद का एक व्यूअर भी है। ठीक है, तो 8 जैन को वो लिखी गई होगी, तो हमें ऐसे ही वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं इसमें। ठीक है, ये चेक करेंगे तो इक्वल नहीं है, ये चेक करेंगे तो इक्वल नहीं है, ये दोनों अपन देख रहे हैं तो इक्वल है। ठीक है, तो अब अपने पास क्या वैल्यूज है, आउटपुट में क्या होना चाहिए, 277, बेसिकली ऑथर आई डी 7, ऑथर आई डी 4, ऑथर आई डी 4। अब एक बेसिक सी बात है कि अगर दो ऑथर आई डीज हैं, दो सेम ऑथर आई डी है, तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बेसिकली यूनिक लगाया। ठीक है, तो जो भी यूनिक ऑथर आईडीज हैं वो अपन को प्रिंट करनी है, और क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में कहा गया था इसलिए 4 और 7 है, 4 फर्स्ट है, 7 लास्ट में। ठीक है, तो इसकी क्वेरी सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अपन को क्या देना है, ऑथर की आईडी। ठीक है, सेलेक्ट ऑथर आई डी फ्रॉम, और ऑथर आई डी भी अपन को यूनिक देनी है। ठीक है, क्योंकि रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है और आउटपुट भी अपना गलत आएगा। अब एक पैटर्न क्या है, बेसिकली जो भी ऑथर है, जो ऑथर आईडी है वही व्यूअर आईडी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपना सेम वे क्लॉज का फॉर्मेट बन गया।
जहाँ पे भी ऑथोराइटी प्योरिटी के बराबर हो। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो हम बताएंगे ऑर्डर बाय अथॉरिटी असेंडिंग। अच्छा, अपना आउटपुट तो सही है, बट एलियास अपना अलग दिया हुआ है। यहाँ पे आईडी है, कुछ नहीं करेंगे, एस आईडी अपन ने एलियास चेंज कर दिया। ठीक है, आईडी 47 रिजल्ट आ गया, सबमिट करके देख लेते हैं। ग्रेट, सॉल्यूशन एक्सेप्टेड। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, बाय बाय।